हाई गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था, उसमें मुझे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो भी मिली है। मेरे ख्याल से 2000 लोगों ने इसके लिए वोट किया था कि डिटॉक्स डाइट फॉर फ्लैट बेली, 7 डेज़ के अंदर हम किस तरीके से फ्लैट बेली अपना ले सकते हैं, पा सकते हैं, एंड उसके साथ साथ हमको डिटॉक्स भी करना बॉडी को। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट बेली का डाइट, जिसके साथ साथ आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी। नाउ फ्लैट बेली के डाइट में जो भी मैंने आज आपको कस्टमाइज करके बताना है, उसके अंदर मेक श्योर कि आप किसी भी टाइप का ऑयल एंड घी, दोनों की दोनों चीज़ें आप ऐड नहीं करेंगे। हमारा जो भी मेन्यू रहेगा, जिस तरीके से भी हम अपनी डाइट बनाएंगे, मेन्यू रखेंगे, मेक श्योर उसके अंदर आप घी एंड ऑयल का यूज़ कतई नहीं करेंगे। 7 डेज़ के लिए टोटल घी एंड ऑयल को हम काटा मार रहे हैं, अपनी डाइट से रिमूव कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं एक नेक्स्ट वीडियो या कुछ भी और डाइट लेके आऊँगी, जिसमें हम सारे वाइट्स हटाएंगे और जो जो ऑप्शंस मैं आपको दूंगी, उससे आप देखना आपकी बॉडी में कितने ह्यूज चेंजेस आते हैं। सेम चीज़ मैंने भी अपने साथ किए हैं। मैं बलून की तरह फूल गई थी आफ्टर माय एंगेजमेंट, और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें कर कुरा के अपने आप को बैक लाई हूँ मैं अपनी शेप में। नाउ अब हम बात करते हैं डाइट की। नाउ ये जो डाइट है, इसके कुछ बेसिक मंत्र जो कि मैं 7 ईयर्स से यहाँ पे बताती आ रही हूँ, हमारी 7 to 8 आवर्स की स्लीप, हमारा टाइम पर मील को लेना, हमारा वाटर का इंटेक जो है वो सिप सिप करके पीना, झटके में पानी नहीं पीना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपना वेट चेक करना, डेली बेसिस पे अपना वेट चेक करना है सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स ऑन योर बॉडी डिजिटल वेइंग मशीन पे। मेक श्योर जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसको एज इट इज़ रखेंगे। ये बहुत ही अफोर्डेबल डाइट है, बहुत ही सिंपल डाइट है, जिसको कोई भी बना सकता है, एंड इसकी जो कुकिंग की चीज़ें हैं वो ईजिली मिल जाती हैं हर जगह, हर एक एक जगह ईजी मिल रही है। सो स्टार्ट करते हैं डाइट, एंड ये डाइट में करने से पहले आप अपने मेजर करके रखेंगे अपने बेली को, अपने इंचेस को, कि आपका कितना इंच है, एंड 7 डेज़ के बाद आपने अपने इंचेस को दोबारा मेजर करना है। आई एम श्योर आपके काफ़ी ड्रास्टिक इंचेस लॉस इसमें आपको दिखेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए मेक श्योर आप एक झटके में खाना ना खाएं, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है वेट मेंटेनेंस का। नाउ स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक, चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारा मॉर्निंग ड्रिंक फॉर फ्लैट बेली एंड डिटॉक्स। फर्स्ट थिंग हम बना रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए यहाँ पे मेरे पास है 1 गिलास गर्म पानी। ये ड्रिंक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगी, क्योंकि हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर, आधा चम्मच ग्रेटेड जिंजर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे लेमन, आधा नींबू, इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। एंड दिस ड्रिंक इज रेडी। वेलकम बैक। सो ये था हमारा मॉर्निंग ड्रिंक, एंड इसके साथ साथ जो बेनिफिट्स हैं, ये आपके मेटाबॉलिक रेट पे और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक है, आप ठीक से खाने को पचा पा रहे हैं, आप कभी भी मोटे नहीं होंगे, ना आपकी बॉडी के ऊपर फैट आएगा, ना आपका बेली फैलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर हम बनाएंगे ओट्स एंड दाल की खिचड़ी। वो कैसे बनानी है, विदाउट ऑयल बनानी है, विदाउट घी बनानी है, चलते हैं किचन में। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर हम बना रहे हैं ओट्स एंड दाल की खिचड़ी, एंड ये बहुत ही हाई इन फाइबर है एंड रिच इन प्रोटीन है। सो इसके अंदर हम बहुत सारी सब्जियाँ डालेंगे ताकि हमारे को कॉन्स्टिपेशन ना हो और टमी डेली बेसिस पर क्लियर होता रहे। सो फर्स्ट इज इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे प्याज। नेक्स्ट टमाटर, इसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं, ये रहे। एंड नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी शिमला मिर्ची एक, और मेरे पास पीली भी शिमला मिर्ची पड़ी थी, मैंने ये भी डाल दी है। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से चॉप करेंगे फटाफट। ओके, ये मेरी सब्जियाँ जो हैं वो चॉप होके रेडी हैं। कूल, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कुकिंग। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेरे ओट्स। ये मेरे पास रोल्ड ओट्स हैं, इसके मैंने लिए हैं 3 से 4 चम्मच, क्योंकि हम एक ही बंदे के लिए हम ये बना रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास है दाल, मूंगे की दाल, ये हमने ली है 2 चम्मच जितनी दाल, उसको गर्म पानी से अच्छे से भिगो के वॉश कर लिया है। ये बिना ऑयल का हम खिचड़ी बनाएंगे, बिना घी, बिना ऑयल का। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारे पास कुकर है, कुकर के अंदर सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे अपने ओट्स एंड दाल का मिक्सचर डाल दूँगी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा जीरा, सूखा धनिया पाउडर,
नेक्स्ट ये रही मेरी वेजीज। जिन जिन लोगों के पास कुकिंग का टाइम नहीं होता उन लोगों के लिए बेस्ट रेसिपी है, और ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, हार्डली 5 मिनट्स में। ये डाल दिया हमने बहुत सारी सब्जियां इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी 2 कटोरी जितना पानी, और गर्म पानी डाल दो पहले ही केटल से। अब हम इन सबको विसल लगाएंगे, 4 से 5 विसल, 1 तेज आंच पे, 3 से 5 पे। ओके नेक्स्ट ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट एंड हियर वी गो, इट्स रेडी। वेलकम बैक। अगर आपको ये खिचड़ी खाने का मन नहीं है इसको हम टाटा करेंगे। हम बॉइल्ड किनुआ का सैलेड लेंगे, ये रहा किनुआ की खिचड़ी ले सकते हैं। अभी अभी मेरे को थोड़ी देर पहले एक मेंबर का फ़ोन आया था, मुझे किनुआ नहीं खाना। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को भी किनुआ नहीं खाना और वो बहुत ज़्यादा आपको महंगा लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा महंगा है मार्केट के अंदर, देन आप दलिया ले सकते हैं। वो भी सेम तरीके से बनेगा, कुकर में सीटी लगाकर विदाउट ऑयल। अगर आपको दलिया भी खाने का मन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ प्लेन ओट्स की खिचड़ी खा सकते हैं। इन सब की जो रेसिपीज़ हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड अगर आपको ये भी खाने का मन नहीं है, आप किसी भी टाइप की खिचड़ी, जो भी मेरे चैनल पे बतेरी खिचड़ी और दलिया की रेसिपीज़, आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। मेक श्योर आप उसमें ऑयल एंड घी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मिड ब्रेकफास्ट के लिए। मिड ब्रेकफास्ट का टाइमिंग्स का मेक श्योर आप कभी भी स्किप ना करें। मैंने बतेरी डांटे मारी हैं लोगों को, स्पेशली मिड ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स को, जो स्किप करते हैं, मील को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फिर दोपहर तक आप जंप करके बहुत तेज़ी से खाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर हम लेंगे एक इन्फ्यूजन टी, वो कैसे बनानी है चलते किचन में। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर हम बना रहे हैं एक इन्फ्यूजन टी, एंड इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए गर्म पानी, 1 कप जितना तेज़ गरम पानी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे फेनल सीड्स, थोड़े से सौंफ, और वो भी हमारे मोटे वाले। ओके नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल रहे हैं ग्रीन टी। आप कोई सी भी ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तुलसी ऑर्गेनिक इंडिया की यूज़ कर रही हूँ, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। 1/2 चम्मच जितना हमारी ग्रीन टी, उसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। अब इस टी को हमें रेस्ट कराना है फॉर एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये हल्की गर्म रह जाए। एंड ये सारे जितने भी हमने चीज़ें इसमें डाली, ग्रीन टी एंड फेनल सीड, इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। इसके अंदर हम फॉर फ्लेवर ऐड करेंगे 1 मौसम्बी का स्लाइस, एंड अब हम इसे रेस्ट करने देंगे। ओके नेक्स्ट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स हम इस टी को स्ट्रेन करेंगे। एंड ये रही हमारी टी मिड ब्रेकफास्ट, एंड उसके साथ हम कोई सी भी सीजनल फ्रूट्स लेंगे, कोई सा भी सीजनल फ्रूट। अब वो चाहे कोई भी सीजनल फ्रूट हो, अभी चेरीज बहुत मार्केट में है, जामुन है, आपके प्लम्स, पीचेस हैं, आप वो सारे सीजनल फ्रूट लीजिए। एंड हियर वी गो मिड ब्रेकफास्ट। वेलकम बैक जी। अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच में हमें कुछ फिलिंग चाहिए, क्योंकि हमारा डिनर जो है वो फ्लैट बेली की स्मूदीज है। लंच में अब हम बनाएंगे ग्रेवी विद वेजीज। सो कैसे बनाना है विदाउट ऑयल एंड घी, चलते हैं किचन में। ओके यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं लंच। लंच में हम बनाएंगे ग्रेवी विद वेजीज। सो यहाँ पे 0 ऑयल एंड घी का हम ग्रेवी बनाएंगे। ये मेरे पास है 6 से 7 टमाटर, जिसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं, एंड 3 मैंने गार्लिक लिया। इसको मैं 1 गिलास पानी में बॉईल कर रही हूँ, और जैसे ये बॉईल हो जाएंगे हम इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे, और जो पानी है वो भी हम ग्राइंड में यूज़ करेंगे। सो अभी हम वेट करते हैं इसके बॉईल होने का। ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, अब इसको हम और बॉईल करेंगे जब तक ये वाटर जो है वो आधा ना हो जाए। ओके नेक्स्ट इज हमारा जो ये टमाटर था, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, पानी हमने हमारे पास यहाँ पर रह गया है, ये वापस से हमने इसमें डाल दिया है। अब हम बनाएंगे हमारा लंच। इसको हम मिक्स करेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मेरा हल्दी पाउडर। नेक्स्ट थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट भुना हुआ जीरा का पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे जीरा पाउडर, और अब इन सब स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा पनीर, होममेड पनीर है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये मैंने लिया है 50 to 60 grams ऑफ पनीर। एंड नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मेरे पास सब्जियाँ हैं, ब्रोकली, शिमला मिर्ची, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर।
इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको हम कुक करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए सेम आंच पे, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। सो हियर वी गो, ये रहा हमारा लंच एंड इट्स रेडी। वेलकम बैक। अगर आपको ये रेसिपी खाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास मखाना एंड पनीर की ग्रेवी की रेसिपी है, वो भी मैं लिंक में डाल दूंगी, वो हम एज अ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम दाल घिया भी एज अ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, दाल पेठा भी एज अ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट फ़र्क इतना होगा कि हम उसमें कोई भी घी एंड ऑयल ऐड नहीं करेंगे। आप बॉइल्ड दाल के साथ खीरा प्याज टमाटर दाल सलाद ले सकते हैं, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, इसमें भी किसी टाइप का ऑयल नहीं है। ये जितनी भी रेसिपीज़ हैं, बॉइल्ड चना हो गया, बॉइल्ड वाइट चना की रेसिपीज़ हो गई, सैलड हो गई, ये सारी जितनी भी सैलड्स की रेसिपीज़ हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनमें से कोई भी रेसिपीज़ पिक कर सकते हैं। अगर लंच में मुझे दालें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और मुझे दालों से एसिडिटी हो रही है, ना मुझे पनीर खाने का मन है, कभी कभार बंदे का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, ऐसी सिचुएशन में आप कोल्ड कॉफ़ी पिक कर सकते हैं, चिया सीड पुडिंग आप पिक कर सकते हैं, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स विद फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी में हम बनाएंगे गोखरू की टी। नाउ गोखरू एक बहुत ही सॉलिड, मैं बोलती हूँ, आयुर्वेदिक औषधि है, स्पेशली फॉर वाटर रिटेंशन एंड बेली को कम करने के लिए। गोखरू मैं अपनी मदर को देती थी जब उनका किडनी फेलियर का स्टेज था, बट आज के टाइम पे गोखरू बहुत अच्छा काम करता है, किडनी के लिए तो बहुत अच्छा है ही है, उसके साथ साथ ही आपके बॉडी के अंदर से जितना भी वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है, जिन जिन की बॉडी में वाटर को होल्ड करती है, मेरी बॉडी ऐसी है जो वाटर को बहुत जल्दी सोक करती है, होल्ड करती है, जिनकी बॉडी में ज़्यादा आप नमक नहीं डाल सकते हैं, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी स्वेलिंग लेती है, सूज जाती है, उन लोगों के लिए गोखरू अमृत है। और ये लोकली हर जगह मिलता है, अमेज़ॉन पे भी मिलता है, आपके लोकली पतंजलि के स्टोर पे भी मिलता है, और आप इसका बल्क में मंगा के रखिए। एंड इसकी टी बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, इसकी वेराइटीज़ ऑफ टी बनती है। मेरी नेक्स्ट अपकमिंग कुछ वीडियोस में मैं गोखरू के बारे में डिटेल में बात करूँगी। अभी हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं गोखरू की टी। अब बनाते हैं हम इवनिंग टी। नाउ इवनिंग टी में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी यहाँ पर। ये जो टी है ये आपके वाटर के ऊपर बहुत स्ट्रांगली काम करेगी, आपकी बॉडी में जितना भी होल्डेड वाटर है, जितना भी वाटर रिटेंशन है, उस पर ये बहुत स्ट्रांग काम करेगी। कैसे? इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है गोखरू। नाउ गोखरू जो है वो अमेज़ॉन पे मिलता है, पतंजलि के स्टोर पे मिलता है, कोई भी ऑर्गेनिक स्टोर पे मिलता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगी, शायद से नेक्स्ट वीडियो ही मैं बना दूं। इसकी वेराइटीज़ ऑफ टीज एंड ग्रीन टीज बनती हैं, एंड इसके डिटॉक्स वाटर बनते हैं बहुत ही अच्छे से। एंड ये थोड़ा सा चुभता है, सो इसको हम बहुत ही ध्यान से हाथ में लेंगे, आधा चम्मच जितना मैंने इसमें गोखरू डाला है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे 3 slices ऑरेंज के। नेक्स्ट वीडियो में गोखरू के ऊपर लेके आऊँगी एंड उसके बेनिफिट्स। एंड ये इतना अच्छा वर्क करता है, स्पेशली ऑन योर किडनी। किडनी के लिए तो हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट ये जर्नली भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको पीने के बाद आपके एक्सेस वाटर रिटेंशन रिमूव होता है, साइड का जो बेली फैट है वो भी कट होता है। एंड ये इस तरीके से इसका डब्बा मिलता है, ये मैंने पतंजलि से पिक किया है, अमेज़ॉन से आप बिग पैकेट पिक कर सकते हैं। एंड ये अब हमें बॉईल करना है जब तक ये हाफ कप जितना हो जाएगा। ओके नेक्स्ट दिस टी इज़ रेडी। ये रही हमारी इवनिंग टी, एंड इसके साथ हम लेंगे हमारे रोस्टेड मखाना। इसको मैंने हींग और जीरे में भुना है विदाउट ऑयल एंड विदाउट घी। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं जी डिनर की। ये तो सारी होगी हमारे पूरे दिन की मील। नाउ डिनर में मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करा था फ्लैट बेली स्मूदीज़ की, 7 smoothies मैंने इसमें मेंशन करी थी। आप इनमें से कोई भी स्मूदीज़ अपनी पिक कर सकते हैं, एंड 7 days के अंदर सिर्फ ये स्मूदीज़ पे रहेंगे आप डिनर पे। 7 days की बात है, लंच भी हमने हैवी कर लिया है, इवनिंग का भी स्नैक ले लिया, आप डिनर में हम ये चीज़ पिक करेंगे, स्मूदीज़ को पिक करेंगे। एंड अगर आप स्मूदीज़ पिक नहीं करना चाहते, आपका मन नहीं है, देन आप वेजिटेबल जूसेस भी ले सकते हैं डिनर में। एंड इस तरीके से आपका जो बेली है वो ट्रस्ट में बहुत जल्दी जाएगा, एंड आप बहुत ज़्यादा लीन दिखोगे, आपका वेट लॉस अमेजिंग होगा, एंड ट्रस्ट में आप बहुत हेल्दी एंड लाइट फील करोगे। जिन जिन लोगों का लिपिड प्रोफाइल ख़राब है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, उन लोगों के लिए ये डाइट मस्ट गो है। उन लोगों का लिपिड प्रोफाइल बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर। एंड अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाउ नाइट ड्रिंक के अंदर मैं यहाँ पे बोलूँगी त्रिफला पाउडर। नाउ डाबर का त्रिफला ले लो, पतंजलि का त्रिफला ले लो, किसी भी ऑर्गेनिक ब्रांड का आप त्रिफला ले सकते हैं। आधा चम्मच त्रिफला पाउडर आधे कप गर्म पानी में मिक्स करके हम लेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि वाटर, पानी कितना लीटर पीना है इस डाइट के साथ।
3.5 लीटर्स इनफ है, उससे ज़्यादा हम पानी नहीं लेंगे। सिप सिप करके पूरा दिन पानी लेंगे, ऐसा नहीं है कि शाम के 6 बज गए हैं एंड आपको ध्यान आया जी सुबह से तो मैंने 2 लीटर पानी ख़त्म ही नहीं करा तो 6 बजे आप पूरा 2 लीटर का पानी पी गए। इस तरीके का करने से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा नुकसान लेती है, बहुत ज़्यादा। सो ये था पूरा का पूरा डाइट रिलेटेड टू फ्लैट बेली एंड जिस तरीके से इन सब लोगों ने अपना बेली को कम करा है, अपने फिगर को ठीक करा है, अपनी हेल्थ को ठीक करा है, हेल्दी हुए हैं, फिट फील करते हैं, उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल गेम है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा सिंपल गेम है। लो कैलरी पे जाना पड़ता ही है जब हम वेट लॉस पे जाते हैं या फिर फ्लैट बेली चाहते हैं या अपनी फिगर मेंटेन करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे फिटनेस में जितने भी लोग हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर बात करके समझूं चीज़ों को, तो हर कोई लो कैलरी पे ही जाता है हर इंसान। अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम ही है, अगर आपकी अपनी बॉडी को अनकम्फर्टेबल नहीं कर पा रहे या आपकी बॉडी अभी भी कम्फर्ट जोन में है, वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। आपको अनकम्फर्टेबल जोन में जाना ही पड़ता है बॉडी को रिजल्ट देने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। आई बिलीव कि आप लोग ये डाइट फॉलो करके अपना जो फ्लैट बेली है उसको लेंगे एंड लीव अ कमेंट कि किस किस को कितने कितने रिजल्ट मिले, कितने कितने इंचेस गए। सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।